इन दिनों आ रहे कई नए टीवी शोज का बोलबाला है, जिन्होंने लंबे वक्त से चले आ रहे पुराने शोज को टीआरपी में बुरी तरह से पछाड़ कर रख दिया है। पिछले लंबे वक्त से स्टार प्लस का शो अनुपमा तो टीआरपी में कमाल कर ही रहा है और नंबर वन पर है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुए शो इमली और गुम है किसी के प्यार ने शो ने भी आते ही टीआरपी लिस्ट में टॉप पोजिशन हासिल की है और उन बड़े बड़े शोज को पीछे छोड़ दिया जो कभी टीआरपी में टॉप पोजिशन पर हुआ करते थे। लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों ये नए शोज इन पुराने शो की टीआरपी पर भारी पड़ गए हैं, तो इसके पीछे तीन बड़ी और अहम वजह भी है और क्या है वो आपको भी एक एक करके बताते हैं। पहली वजह, नए शो की नई दमदार कहानियाँ। वेल देखा जाए तो इन दिनों जितने भी शो आ रहे हैं वो किसी न किसी रीजनल शो के हिंदी रीमेक हैं, लेकिन बावजूद इसके शो में नए ट्विस्ट के साथ कहानी को इतने बढ़िया और बैलेंस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ऑडियंस पूरी तरह से शो से जुड़ चुके हैं। नए शो की कहानी बिना किसी बनावटी और बड़े ड्रामे के इतने साधारण और बढ़िया तरीके से आगे दिखाई जा रही है कि लोगों को भी देखने में मजा आ रहा है, जैसे अनुपमा और इमली में हो रहा है, जहां एक तरफ एक परिवार में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है तो वहीं दूसरे शो इमली में एक गांव की लड़की की कहानी दिखाई जा रही है और इसी सिंपल लेकिन दमदार कहानी की वजह से लोग इन शो से जुड़ पाए हैं जो टीआरपी पाने में भी सक्सेसफुल रहे। दूसरी वजह, कोरोना में बंद हुए शो तो बदल गया लोगों का टेस्ट। जी हाँ, कोरोना काल तमाम टीवी के पुराने और हिट शो के लिए किसी काल से कम नहीं रहा। दरअसल लॉकडाउन की वजह से तमाम बड़े बड़े शोज की शूटिंग बंद रही, इस दौरान लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए कई और प्लेटफॉर्म का रुख किया, लेकिन जब तक शो की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो लोगों का टेस्ट काफी बदल चुका था। लोगों की एक्सपेक्टेशन अपने पसंदीदा शो से काफी ज्यादा थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद शो अपनी कहानी में कुछ नया कर पाने में असफल रहे। जी हाँ, पुराने शो जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुमकुम भाग्य, ये है चाहते वगैरह कुछ ऐसे शो हैं जो कुछ नया पेश कर पाने में नाकाम रहे हैं और बार बार घुमा फिरा कर वही कहानी दिखाते रहे जो ऑडियंस दूसरे शोज में पहले ही देख चुकी है। ऐसे में जब नए शो आए तो ऑडियंस का दिल पुराने शो से हटकर नए शो की तरफ आया और ये भी नए शो के हिट होने की वजह बनी। और तीसरी वजह, पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों की एक्टिंग आ रही है पसंद। टीवी शो में बार बार पुराने ही स्टार्स की एक्टिंग को देखकर अब लोग उब चुके हैं, बार बार वही रोना धोना, रोमांटिक मोमेंट्स और कहानी से ऑडियंस अब पक चुकी है। इसीलिए इन दिनों जितने भी नए शोज आ रहे हैं या तो उनमें नए कलाकारों को लाया जा रहा है या फिर उन कलाकारों को जो लंबे वक्त से टीवी इंडस्ट्री से दूर थे और जिन्हें टीवी पर देखने के लिए लोगों में काफी चाहत भी है। गुम है किसी के प्यार में भी नील भट्ट और आयशा शर्मा की नई जोड़ी है, अनुपमा में रूपाली गांगुली ने कमबैक किया और सुधांशु पांडे के साथ उनकी जोड़ी जमी, तो वहीं इमली में पहली बार मेन लीड में दिखी सुम्बुल तौकीर गश्मीर महाजनी के साथ। वहीं इन सभी ने अपने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि ऑडियंस इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ किए बिना रह भी नहीं पाई और इनकी एक्टिंग का ही कमाल है कि शो से ऑडियंस खुद को जोड़ पाई है और ये शो टीआरपी में धमाल कर गए हैं। वेल तो ये है वो तीन वजह जो नए शो को पुराने शोज के मुकाबले टीआरपी में आगे लेकर जा रहे हैं।